everyone, welcome back to my channel. My name is Shobha. In today's video, I'm going to tell you how to find a right shade of foundation for different type of skin tone. And yes, if you are new to my channel, please consider subscribing and also press that bell icon next to it so that you will never miss any of my videos. And yes, don't forget to follow me on Instagram. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक सैशे प्रोडक्ट का रिव्यू भी शेयर करूंगी, साथ साथ में मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी कि कैसे राइट शेड परचेज करते हैं, मीन्स राइट वे क्या है शेड्स को चूज करने का. तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को वो सारे शेड्स शो कर दूं जो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूंगी रिव्यू. तो ये आप देख सकते हो, मैबलिन ने ऐसे करके सैशे में प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए हैं एंड ये काफी अच्छा है. एंड मैं 6 मंथ पहले भी आप लोग के साथ ऐसे ही प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर की थी, मीन्स एट दैट टाइम मेरे को उस पर 2 शेड्स ओनली मिले थे, मीन्स उस टाइम मैबलिन ने बहुत सारे शेड्स लॉन्च नहीं किए थे. एंड दिस टाइम मैबलिन ने इसमें 4-5 शेड्स लॉन्च किए हैं एंड मुझे ये 4 ही अवेलेबल मिला जहां से मैंने इसको परचेज किया. एंड ये जो प्रोडक्ट है ये आपको ऑफलाइन ही मिलेगा, आपके जो नियर बाई कॉस्मेटिक शॉप्स वगैरह होंगे उस पे इजिली अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा. एंड जब भी अगर मुझे ये ऑनलाइन दिखा कि अगर ये ऑनलाइन अभी अवेलेबल हो गया है, मैं एट दैट टाइम आप लोग को उस साइट्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. जैसे कि मैंने जब इसके सैशे लिपस्टिक को भी रिव्यू किया था, एट दैट टाइम वो ऑनलाइन कहीं भी नहीं अवेलेबल था, बट बाद में ये अवेलेबल हुआ नाइका पे, मिंत्रा पे एंड अमेजोन पे. तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया था. तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं मेरे सैशे वाले जो लिपस्टिक का मैंने रिव्यू किया, तो आप लोग वहां पे जाके उसको चेक भी कर सकते हो एंड साथ साथ में उस लिंक पे जाके आप लोग साइट पे भी जाके उसको परचेज कर सकते हो. तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं. ये देख सकते हो मैंने जो 4 शेड परचेज किया है दिस टाइम. सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने जो परचेज किया वो है 310 सन बेग, ये आप देख सकते हो. एंड उसके बाद जो सेकेंड है वो है 330 टॉफी, एंड जो थर्ड है वो है 1115 आइवोरी, एंड जो फोर्थ है वो है 128 वार्म न्यूड. एंड यस, मैबलिन ने जो इसमें ये सैशे लॉन्च किया है ना, मुझे इसमें सबसे अच्छी बात बताऊं क्या लगी है कि इस सैशे को हर कोई परचेज कर सकता है. इट मीन्स पॉकेट फ्रेंडली है. एंड सम टाइम होता है ना कि इतनी महंगी प्रोडक्ट है हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, या फिर हर कोई होता है कि डेली मेकअप तो करता नहीं है, तो उनका क्या होता है अगर वो बड़ी बॉटल लेते हैं तो उनका वो वेस्ट हो जाता है रखे रखे. तो ये जो है ये यूजफुल हो जाएगा. एंड ये पॉकेट फ्रेंडली, कॉलेज गोइंग गर्ल्स वगैरह भी बिल्कुल इजीली इसको अपने फेयरवेल वगैरह हो या छोटा मोटा कोई फंक्शन हो उसके लिए ये परचेज कर सकती है. साथ साथ में ये बोल सकते हो आपको कि स्पेस भी बहुत कम कैरी करेगा आपको जब आप इसको कैरी करोगे. बिल्कुल छोटा सा पाउच लो, कितना कम स्पेस लेने वाला, आपके क्लच में भी आ जाएगा इजिली. तो ये भी काफी अच्छा है. एंड इसकी प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस जो है वो ओनली 59 रुपीज है फॉर 5 ml. काफी अच्छा है, मीन्स 5 ml प्रोडक्ट आपको एटलीस्ट 9 to 10 times तो हो ही जाता है. मीन्स मैं इसको पहले भी यूज की हूँ, 9 से 10 बार तो बिल्कुल मैंने उससे मेकअप किया था तो काफी अच्छे से हो जाता. तो मीन्स 9-10 बार आप मेकअप करो, मीन्स 60 रुपीज में और क्या चाहिए. तो काफी अच्छा, हर कोई अफोर्ड कर सकता है इसको. एंड साथ साथ में ये भी हो सकता है कि हमें क्या होता है कि हम बड़ा बॉटल जब परचेज करते हैं हमें अपना एक्यूरेट शेड नहीं पता होता है. समटाइम होता है नहीं पता होता है, या फिर हम सोचते हैं ये शेड हमें शायद मैच कर जाए, हम परचेज कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा पूरा पूरा बॉटल वेस्ट हो जाता है एंड उतने पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं. तो मेरे साथ भी ये सीन हुआ है 1-2 बार कि मैंने परचेज किया, मुझे किसी डिफरेंट ब्रांड का शेड नहीं पता चला, तो मेरा वो अभी भी रखा हुआ है, उसका वो मेरे किसी यूज में नहीं आता. डार्क शेड होता है तो समटाइम मैं क्या करती हूँ उसको मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ, किसी लाइट शेड मेरे साथ आ जाता है. मीन्स समटाइम अगर कोई लाइट शेड मेरे पास आ गया बाय मिस्टेक तो मैं उसको मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ. तो वैसे करके यूज आप भी कर सकते हो अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग शेड आ चुका है तो. एंड चलिए आप देख सकते हो कि मैं ना इसका जब मेरे को मेरा शेड पता चल गया था तो मैंने इसकी बड़ी बॉटल भी परचेज कर ली थी. एंड यस, माई शेड इज 128 वार्म न्यूड. एंड इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि एक 128 वार्म न्यूड है जो कि बिल्कुल मेरे स्किन टोन से मैच किया था, तो मेरे को मेरा शेड पता चल गया था. वैसे मैंने इसका पहले एक ट्यूब भी परचेज किया था जो कि मैंने क्या किया था, मेरे को शेड पता करना था उस टाइम पे, ये तो सैशे लॉन्च नहीं हुआ था, तो मैं स्टोर से जाके छोटा वाला ट्यूब परचेज की थी कि मैं इसका पहले तो शेड देख लूंगी कैसा है एंड मुझे कैसा सूट करता है एंड ये ऑक्सीडाइज तो नहीं होता है, कितना फिनिशिंग देता है, ये सारी चीजें जानने के लिए मैंने क्या किया था, छोटा ट्यूब परचेज कर लिया था.
तो ये देख सकते हो मैंने पहले इसका ऐसा छोटा ट्यूब जो है वो स्टोर से परचेज किया था, फिर मुझे बोलते ना शेड बिल्कुल मेरे में मैच हो गया तो मैंने बड़ा बॉटल परचेज किया, तो फिर मैंने सोचा चलो एक शैशी भी परचेज कर लेते हैं एंड देखती हूँ कि ये शैशी कितने टाइम जाता है, तो मैं उसको ट्राई करने के लिए परचेज कर ली एंड साथ साथ में सोची चलो डिफरेंट शेड्स परचेज करती हूँ सो डैट आप लोग के लिए एक हेल्पफुल वीडियो बनाऊं कि आप लोग को शेड्स पता चल सके एंड आप लोग भी ऐसे जाके इजिली बिल्कुल हर कोई बोल सकते पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट आप लोग भी परचेज कर सकते हो। एंड चलिए मैं अब एक एक करके इसका शेड्स आप लोग को शो करती हूँ। एंड ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में बता दूं कि ये आपको बिल्कुल फुल कवरेज देता है एंड ऑक्सीडाइज नहीं होता है। समटाइम बहुत लोग ये बोलते हैं कि जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो समटाइम क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, बट मेरे को ऐसा कुछ भी ये वाले में फाउंडेशन में कोई भी इश्यू नहीं देखने मिला एंड दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट वाला फाउंडेशन आप बोल सकते हो। तभी मैंने इसका ये बड़ा लिया पहले कि चलो मैं तो रेगुलर मेकअप करती हूँ तो मेरे यूज में आ जाएगा ये प्रोडक्ट। तो जो भी ऐसा मेकअप लवर हो, रेगुलर मेकअप करते हो तो वो बड़ा परचेज कर सकते हैं एंड जो कभी कभार मेकअप करते हो या बोल सकते हो टीनेजर्स है जो इनके पॉकेट अलाउड नहीं करती है इतना, मीन्स 500-600 का पूरा बॉटल लेने का, तो आप बिल्कुल ये इजिली लो ना, आपको जब जरूरत हो तो बस आप इसको यूज करो अपने शेड्स के अकॉर्डिंग। एंड आप लोग ये भी देखिएगा कि आप लोग कैसे शेड्स को पता करें कि हाँ वो आपके स्किन टोन पे मैच हुआ है, कहाँ पे आपको उसको अप्लाई करना है। बहुत ऐसी जगह पे मैंने खुद देखा है पर्सनली कि जब आप जाओगे कोई फाउंडेशन लेने की, हाँ मुझे फाउंडेशन परचेज करना है, वो क्या करेंगे आपको, वो लेंगे चाहे बोल सकते हो उनके पास टेस्टर वगैरह होता है, वो लेके आपके हैंड पे स्वेच करके शो करेंगे, हैंड पे डालेंगे डैब डैब करके शो करेंगे एंड आपको ये भी बोलेंगे साथ साथ में आपकी हैंड पे अच्छी ब्लेंड होगी ना, फेस पे अच्छा ब्लेंड होगा एंड हैंड का ज्यादा स्किन डिफरेंट होता है फेस का डिफरेंट, मतलब पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं। बट दिस इज द रॉन्ग वे टू टेस्ट योर फाउंडेशन शेड। आप कभी भी अपने हैंड पे स्वैच करके ब्लेंड करके तो कभी भी मत लीजिए, बिकॉज आप खुद देखो फेस और हैंड का जो कलर होता है बहुत डिफरेंट होता है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपके फेस और हैंड का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट होता है, तो आप जब भी शेड्स परचेज करें तो अपने फेस पे स्वैच करके ले, बिकॉज आपको उसको अपने हैंड पे नहीं अप्लाई करना, आपको उसको अपने फेस पे अप्लाई करना है, तो यहां से जो बिल्कुल आपके स्किन टोन को मैच करे आप वो वाला शेड परचेज करें। तो चलिए मैं आप लोग को वो भी बताती हूँ कैसे। तो सबसे पहले देख सकते हो मैं ये जो शेड है 115 इसको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ एंड देखती हूँ कि ये शेड मेरे को मैच करता है या नहीं। मैं ऐसे फिंगर टिप पे लूंगी एंड ये आप देखें, आप ऐसे करके कर सकते हो, चाहो तो आप इसको डैब डैब करके ब्लेंड करके पूरा आप देखें, मैं यही बोलूंगी कि ऐसे करके आपको लग रहा हो कि हाँ ये आपके स्किन टोन पे जा रहा है देन वो परफेक्ट है आपके स्किन टोन के लिए एंड एज यू कैन सी कि ये थोड़ा फेयर हो जा रहा है मेरे स्किन पे। एंड चलिए 310 जो है सन बेक उसको अब मैं दूसरे फिंगर से करती हूँ बिकॉज ये मिक्स हो जाएगा ना फिर शेड्स, ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मेरे कॉम्प्लेक्शन से डिफरेंट जा रहा है। उसके बाद जो थर्ड है वो आप देख सकते हो 330 टॉफी एंड इसमें एक शेड और आया था बट जब मैं शॉप पे लेने गई थी तो उनके पास वो अवेलेबल नहीं था एंड आप देखो 330 एंड आप देख सकते हो ये थोड़ा सा डार्क जा रहा है, मीन्स बिल्कुल मिलता जुलता शेड नहीं है, ये थोड़ा सा ये अलग जा रहा है, मीन्स ये थोड़ा ये थोड़ा लाइट हो जा रहा है, ये थोड़ा बट प्रॉपर जो टेक्सचर है मेरे स्किन का वो नहीं आ रहा है। एंड चलिए लास्ट जो शेड है उसको मैं अप्लाई करती हूँ, ये देख सकते हो ये 120 वार्म न्यूड एंड दिस इज माय शेड एंड आप देखना कि ये कैसे बिल्कुल मेरे स्किन टोन पे जाएगा, आप देखो ये जा रहा है ना बिल्कुल, आपको लग रहा होगा ये जा रहा है बट ये नहीं है, ये थोड़े से मेरे स्किन को ब्लैकिश कर देगा, मीन्स मेरी फेयरनेस को थोड़ा सा दबा देगा ये। एंड ये शेड जो है ये आप बिल्कुल देख सकते हो जब मैं इसको ब्लेंड करूंगी ना तो ये बिल्कुल मेरे स्किन में चला जाएगा, आप देख सकते हो एंड ये थोड़ा व्हाइट हो जाएगा एंड ये। तो ऐसे करके आप शेड्स को पता कर सकते हो कि कौन सा शेड आपके स्किन टोन पे प्रॉपरली ब्लेंड हो रहा है, प्रॉपरली जो बिल्कुल मिक्स हो जाए, ये आप देख सकते हो ये जो शेड है ना बिल्कुल मेरे स्किन टेक्सचर से मिक्स हो जा रहा है, बट ये सारे नहीं होंगे कहीं ना कहीं, ये तो बिल्कुल टॉफी जो है ये मेरे कलर कॉम्प्लेक्शन को ही दबा देगा एंड ये थोड़ा सा ज्यादा फेयर हो गया एंड ये थोड़ा सा मीडियम फेयर, बट ये वाला जो है वार्म न्यूड 128 ये बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है।
तो आप ऐसे करके शेड्स को पता कर सकते हो कौन सा शेड आपके स्किन टोन पे बिल्कुल मैच करेगा एंड आप उसके बाद इसको परचेज करें। कभी भी आपको कोई कितना भी सजेस्ट करे कि आप हैंड पे करके लो, नहीं लेना, बिकॉज हैंड पे अलग आएगा, फेस पे अलग आने वाला है। एंड मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आप अपने फेस पे ऐसे ऐसे करके डैब डैब करके देखें कि अगर वो बिल्कुल प्रॉपरली ब्लेंड हो जा रहा है देन वो शेड बिल्कुल आपके स्किन टोन के लिए। देख रहे हो आप, ये बिल्कुल ब्लेंड हो गया है ना। और अगर इसको मैं आप देख रहे हो ब्लेंड करके शो करूंगी ऊपर साइड में तो ये फिर भी नहीं जा रहा, आप देख रहे हो व्हाइटिश रह जा रहा है। एंड ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे कॉम्प्लेक्शन से डिफरेंट जा रहा है। एंड ये भी आपको दिख रहा होगा, आप देखो है ना, ये कहीं ना कहीं मिक्स नहीं हो रहा है। एंड इसको आप देखो मैंने ब्लेंड किया, ये प्रॉपर मिक्स हो गया मेरे स्किन टोन से। सो दिस इज माय परफेक्ट शेड ऑफ फाउंडेशन। तो आप लोग ऐसे करके फाउंडेशन के शेड्स को परचेस कर सकते हो एंड साथ साथ में ये शैशे प्रोडक्ट काफी अच्छा है तो आप लोग इसके थ्रू भी अपने शेड्स को परचेस कर सकते हो। इसमें जो भी 5-6 शेड्स लॉन्च किए हैं मैबलिन ने काफी अच्छा किया। एंड चाहो तो आप ये छोटा वाला भी ट्यूब ले सकते हो बिकॉज इसमें आपको मोस्ट प्रोबली शेड्स मिल जाएंगे एंड जो बड़ा वाला है उसमें भी काफी सारे मीन्स आपको रेंज मिल जाएंगे। तो आप लोग को एक बार जब शेड पता चल जाए उसके बाद क्या अगर आप मेकअप करते हो तो बड़ा ले सकते हो बिल्कुल डेफिनेटली। तो ऐसे करके शेड्स आप लोग चेक करके परचेज कर सकते हो, काफी हेल्पफुल होएगा। एंड दिस शैशे प्रोडक्ट इज रियली ऑसम। तो आप लोग इस वाले शैशे प्रोडक्ट के हेल्प से मीन्स इसमें मोस्ट प्रोबली जो शेड्स लॉन्च हुए हैं आई थिंक हर स्किन टोन को कहीं ना कहीं से मैच कर जाएगा। उस करके इन्होंने बेसिकली 4-5 जो शेड्स को लॉन्च किए हैं तो वैसे ही करके किए हैं बिकॉज अभी ये आपको बोल सकते हो 25-60 शेड्स लॉन्च होते हैं। पहले टाइम पे क्या 4 या 5 शेड्स आते थे जो कि हर स्किन टोन को सूट हो जाते थे, बट अभी क्या काफी सारे शेड्स भी आ रहे हैं जो कि बिल्कुल परफेक्टली आपके स्किन को मैच करे, टोन को मैच करे। तो आप लोग वैसे करके चेक करके परचेज कर सकते हो। एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को सो दैट उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।